अगर आपको भी अपनी पतली चोटी को मोटी करनी है, अपने पतले छोटे बालों को घना और लंबा बनाना है बहुत ही फास्ट, तो आज मैं आपको बताऊंगी अपनी सीक्रेट हेयर ग्रोथ रेमेडी। जिस रेमेडी का यूज़ किया था मैंने अपने बालों को लंबा करने के लिए, अपने बालों को घना बनाने के लिए, आज मैं आपको रेमेडी बताऊंगी। इसके लिए आपको यहाँ पर लेना 1 कप के करीब चावल। चावल को आपको अच्छे से धो लेना है, फिर इसे आपको 20 से 25 मिनट के लिए आपको ऐसे ही भिंगो के छोड़ देना है। फिर आपको इसे क्लीन कंटेनर में, आपको रात भर के लिए इसे आपको चावल में ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे कि अच्छे से चावल की गुडनेस पानी में आ सके और इसके बेनिफिट हमारे बालों को मिल पाए। फिर इस पानी को आपको छान लेना है क्लीन बाउल में और इसे आपको फिर से रात भर के लिए इसे छोड़ देना है, जिससे कि जो चावल का पानी है और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए और उसके बेनिफिट और भी बढ़ जाए हमारे बालों की ग्रोथ के लिए। आप चाहें तो इसे बॉयल भी कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, या ऐसे भी आप अपने बालों पे इसे लगा सकते हैं। तो मैं ऐसे ही अपने बालों पे इसे लगा रही हूँ। इसे आपको अपने बालों पे अच्छे से लगाना है। आप चाहें तो इसे स्प्रे कर ले या इस तरीके से अपने बालों पे लगा ले। इसे आपको बालों पे लगा कर मसाज करनी है और आपको 20 से 25 मिनट के लिए इसे अपने बालों पर लगा के छोड़, बालों को अच्छे से आपको माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धो लेना है। इस तरीके से अगर चावल का पानी अपने बालों पर आप लगाएंगे तो इससे आपके बाल जो हैं बहुत ही फास्ट लंबे होने स्टार्ट हो जाएंगे। और आप यकीन मानिए, आप ऐसा करके देखिए, अगर आपके बाल लंबे नहीं हुए तो आप कमेंट बताना कि इससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। तो अच्छे से आपको धो लेना है। फिर हमारी जो सेकंड रेमेडी है वो है हेयर मास्क। ये आपके बालों को डबल ग्रोथ देगी, आपके बालों को सिल्की स्मूथ शाइनी बनाएगी। और मैंने अपनी हेयर ग्रोथ रेमेडी में इन दोनों रेमेडी का बहुत ही यूज किया अपने बालों को लंबा करने के लिए और इससे मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो आप भी इन सभी रेमेडी को अपने बालों पर लगाएं और अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाएं। अगर इस मास्क को अपने बालों पे आप लगाती हैं तो इससे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। अगर आपको दो मुहे बालों की समस्या है तो इस रेमेडी से आपकी ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। इससे आपके बाल सिल्की स्मूथ शाइनी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मास्क को बनाना। इसके लिए आपको यहाँ पर लेना है लीफ और इसका आपको जेल निकाल लेना है, लेकिन उससे पहले अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है, फिर इसका आपको जेल निकालना है, नहीं तो आपके बालों की किडनी की समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए आप पहले अच्छे से लीफ को क्लीन कर ले, फिर इसका आपको जेल निकालना है। फिर आपको यहाँ पे लेना है एक अंडा। अंडा को आप अच्छे से एक कटोरी में ले लें। अगर आप अंडा यूज नहीं कर सकते तो आप इसे स्किप कर दें, लेकिन अंडा में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होती है जो कि हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाती है, हमारे हेयर रूट को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है। फिर आपको यहाँ पर लेना है 5 चम्मच करीब आपको यहाँ पे दही। अच्छे से आपको दोनों चीज़ों को मिलाना है। दोनों चीज़ें हमारी बालों की ग्रोथ के लिए, हमारे हेयर रूट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे बालों को सिल्की स्मूथ शाइनी बनाने के लिए, हमारे बालों को बहुत ही फास्ट लंबा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारे बालों की ग्रोथ के लिए। तो इस मास्क को आपको अपने स्केल्प पे अच्छे से लगाना है। आपको अच्छे से आपको स्केल्प पे, अपने हेयर रूट पे, अपने हेयर लेंथ पे आपको इसे अप्लाई करना है। 3 घंटे के लिए अपने बालों पे इसे लगा कर छोड़ देना है। फिर अपने बालों को अच्छे से आपको धो लेना है। हफ्ते में एक बार इस रेमेडी को अपने बालों पर लगाए और फिर देखिए आपके बालों की ग्रोथ कैसे नहीं होती, आपके बाल जो हैं कैसे लंबे नहीं होते हैं। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। बाय।